हाँ जी, जून महीने में जो कांग्रेस ने 8.3 ऊपर जो धीरे से बॉक्स थे, इससे जुड़े में कांग्रेस ने स्कूल बॉक्स है, जुड़े में 12 जुड़े में कांग्रेस ने स्कूल बॉक्स। हाँ, तो ऐसे समझो कि ज्ञान मार्ग आगे गया, एडवांस पार्टी आगे गई और भक्ति मार्ग पीछे रह गया। और बाबा जी मोदी से बोल रहे हैं, डबल इंजन पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो डबल इंजन लगाते हैं, और बाद में बोला 3 इंजन माँ और बाप दादा। तुम बच्चों को तो ट्रबल इंजन मिला हुआ है। तुम्हारी अम्मा कौन है बेहद में? हैं? अरे तुम्हारी बेहद में अम्मा कौन है? ब्रह्मा। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु दाढ़ी मूछ वाली है, पुरुष तन है, इसलिए इनको निमित्त नहीं बनाया है, न भक्ति मार्ग में इनकी पूजा होती है। तो एक तो माँ और दूसरा बाप और दादा। अगर तुम आत्मिक स्थिति वाले बच्चे बन गए, अपन को आत्मा पक्का पक्का समझ लिया, तो तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? शिव ज्योति बिंदु, वो तुम्हारा बाप है। और वो किसके साथ कंबाइंड है? किसके साथ कंबाइंड है? जो जन्म मरण में आने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं का बाप है। बड़े भाई को क्या कहते हैं? बाप समान कहा जाता है। तो वो तुम्हारा दादा हो गया। आत्मिक स्थिति में हो तो ये हुए तुम्हारे बाप दादा, और अम्मा कौन हुई? है जगदम्बा। जगदम्बा तो डब्बा है, वास्तव में उसमें पार्ट बजाने वाली कौन है सहन शक्ति का? है ब्रह्मा। और हाँ जी, माता पिता। हाँ, जब जगदम्बा है साकार में, तो पिता कौन है? है जगत पिता साकार में नहीं है? नहीं है फिर? हाँ, और बाबा। हाँ, शिवाजी कौन से देवता का पिता है? शिवाजी कौन से देवता का पिता? शिवाजी, शिवाजी कौन से भगवान का रूप है? कौन से देवता का रूप है? कलयुग में देवताएं होते हैं? होते हैं? है? मारा मारी करने वाले, मार काट मचाने वाले, खून खराबा करने वाले देवता होते हैं? वो तो देवता होते ही नहीं। हाँ, उनकी आत्मा कभी देवता का पार्ट बजाया था, जो लोगों ने उनको शिवा बोला। और गजानन महाराज कौन से देवता हैं? जो होते हैं उनका स्वभाव संस्कार जानवरियत का होता है क्या? होता है, हैं?
देवताएं तो मनुष्यों से भी ऊंचे होते हैं, और मनुष्यों और जानवरों में तो बहुत फर्क होता है। जो सूरत बनाते हैं मूर्तियों में, चित्रों में, वो सूरत किस बात की यादगार है? सीरत की यादगार है। सूरत से सीरत प्रत्यक्ष की जाती है। तो देवताओं की सीरत और सूरत, जानवरों की सीरत और सूरत में फर्क होगा या नहीं होगा? हाँ? होगा। इसलिए सीढ़ी के चित्र में जानवरों की सूरत वाले देवताएं भी दिखाए गए हैं, लेकिन कौन से युग में? कलयुग में दिखाए गए। पूंछड़ी वाला देवता और सूंड वाला देवता, उस सूंड वाला किसकी संतान है? कहते हैं महादेव की संतान है, और महादेव अपने को किसकी संतान समझता है? किसकी संतान है? शिव बाबा की संतान है। तो उत्तरोत्तर जो संतानें होती हैं, उनकी वैल्यू कम होती जाती है या बढ़ती जाती है? हैं? वैल्यू, उनकी कीमत जैसे कम होती जाती है, वो श्रेष्ठता, वो फसीलत नहीं रहती है, कलाएं घटती जाती है। इसलिए दिखाते हैं भक्त लोग भी कि भक्तों ने हनुमान को पूजा, हनुमान ने राम देवता को पूजा, राम देवता ने शिव भगवान को पूजा। तो पूज्य और पुजारी में भी अंतर पड़ता जाता है। और जो रेगुलर और पंक्चुअल क्लास नहीं करते हैं, उनको बेहद के हंटर लगते हैं। ये बेहद के हंटर क्या हैं? कि भगवान टीचर के रूप में बनकर पढ़ाया, पढ़ाने आया, फिर भी पढ़ाई नहीं पढ़ी। लौकिक दुनिया का क्लास होता है, कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं या क्लास टाइम पर भाग जाते हैं या देर से आते हैं, तो टीचर उनको हंटर लगाते थे। यहां कौन सा हंटर लगता है? है? माया उनको पकड़ लेती है और अच्छी तरह से धुनाई करती है।
दुनिया में जो लौकिक भोजन होता है जिससे पेट भरा जाता है, उस लौकिक भोजन में सबसे जास्ती खाद्य पदार्थ कौन सा है जो खाने में आता है? प्याज लहसुन ज्यादा खाते हो, उससे पेट भरते हो? सारी दुनिया चावल से पेट भरती है, ये दक्षिण भारत वाले ही हैं सिर्फ। दाल ज्यादा खाते हैं, दाल और रोटी ज्यादा खाते, वो तो इंडिया में ही खाई जाती है। और कोई चीज है जो सबसे जास्ती खाते हैं दुनिया में? उसकी पैद है? हाँ, खाने वाले ने ही बताया होगा, जो लौकिक दुनिया में खूब खाता होगा वो ही बतावेगा। सागर में काई की पैदाइश सबसे जास्ती होती है, मछलियों की पैदाइश सबसे जास्ती होती है। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसी बात हो जाए कि मछलियों का मिलना बंद हो जाए तो दुनिया में भुखमरी फैल जाएगी, क्योंकि आजकल की दुनिया के लोग खेती का धंधा ज्यादा करने में लगे हुए हैं। या इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में दौड़ रहे हैं, तो खाद्यान्न बहुत कम होता जा रहा है। ये तो हद की बात रही। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में आ जाओ, ब्राह्मणों की दुनिया में सागर कौन है? है? बाप है ज्ञान सागर, और उस ज्ञान सागर के पेट में ढेर की ढेर मछलियां भरी पड़ी हैं। छोटी मछलियां भी है और बड़ी माछले भी हैं। बड़ी मछलियां छोटे मछलियों को खाती रहती हैं। उसको कहते हैं मत्स्य न्याय। हद के सागर में भी ऐसे होता है, और बेहद बाप के बुद्रूपी पेट को जो सागर है उसमें भी मछलियां पलती हैं। तो प्रश्न है कि अगर सागर से मछलियां निकालना बंद कर दिया जाए तो अकाल पड़ जाएगा, परंतु इसका बेहद का अर्थ क्या है? भगवान ने जब अवतार लेना शुरू किए, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, तो कौन सा अवतार पहले लिया है? मछली का अवतार, मत्स्या अवतार। ज्ञान सागर में कौन सी पहली मछली है जिससे ढेर की ढेर मछलियां निकल पड़ी है? जगदम्बा।
एक जगदम्बा के निकलने से ढेर की ढेर मछली तैयार हो गई। उस समय एडवांस पार्टी जब शुरू हुई थी तो जहां से उसका बीज पड़ा वहां ड्रामा प्लान अनुसार मछलियों के बीज बनाने के बड़े बड़े फार्म तैयार किए गए, तालाब बनाए गए। मत्स्य बीज फार्म नाम दिया गया। तो जहां से ये बीज तैयार हुए होंगे वो बीज जहां जहां तालाबों में डाले गए होंगे तो कितनी मछलियां पैदा हुई होंगी, ढेर की ढेर मछलियां पैदा होती। और मछलियां भी भांति भांति की होती हैं, कोई में बहुत बदबू निकलती है व्यभिचार की, कोई कोई में खुशबू भी निकलती है, देखने में बड़ी सुंदर भी होती है। कोई बड़ी शार्प होती है, कोई बड़ी डल होती है, भांति भांति की मछलियां होती हैं। बाबा ने उन्हें शक्तियां नाम भी दे दिए हैं। किसकी शक्तियां? शिव शक्तियां। सागर की मछलियां है ना, सागर से दाना पानी लेती है। तो उनसे जो वाइब्रेशन पैदा होंगे वो वाइब्रेशन और दुनिया के मुकाबले अच्छे होंगे या बुरे होंगे? स्थूल सागर में होता है स्थूल ज्ञान जल, और ज्ञान सागर में होता है ज्ञान जल। तो ये ज्ञान सागर की ज्ञान मछलियां हैं। जो बाहर की दुनिया में रहते हैं, घर गृहस्थ के बाहरी परिवार में रहते हैं, उनको सागर के जल का ज्यादा लाभ मिलता है या सागर के अंदर रहने वाली मछलियों को ज्यादा लाभ मिलता है? है? अंदर में जो रहने वाली मछलियां हैं बल बुद्धि से भी बाहर लगी पड़ी हो तो भी कुछ ना कुछ आंखें खोलकर सागर के अंदर ही रहती हैं, तो भी उनको ज्ञान जल का कुछ न कुछ असर संग का रंग लगता ही रहता है। इसलिए उनके ज्ञान के वाइब्रेशन बहुत काम करते हैं। जो संगठित क्लास में आते रहते हैं वो इस बात का अनुभव करेंगे कि महीने दो महीने में भी एक बार अगर क्लास करते हैं तो क्लास का नशा रहता है या नहीं रहता है? रहता है। और जो संगठन होते हैं संडे टू संडे वो भी अटेंड करते रहे तो और ही नशा चढ़ता है।
तो ये हुआ बुद्धि का भोजन, आत्मा का भोजन। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है शक्तियों से शक्ति लेते रहो, शक्तियों के अनेक रूप होते हैं। माँ भी शक्ति है, बहन भी शक्ति स्वरूपिणी है, बेटी भी शक्ति स्वरूपिणी है। जो शक्ति के वाइब्रेशन लेते रहते हैं, सुचार रूप से उनको शक्ति जरूर मिलती है। शिव बाप डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं देते, जो भी मिलता है माता के थ्रू विशेष मिलता है। वैसे भी बच्चा जन्म लेता है तो अनेक स्त्री चोलों के संबंध के रूप में जो संबंध प्राप्त होते हैं, उन संबंधों में ऐसा संबंध कौन सा है जो बच्चे को जीवन भर पोषण देता है? मां का संबंध। तो ये शिव शक्तियां हैं, बाप के लिए अपना जीवन दिया हुआ है। चलो कोई ने थोड़े समय के लिए दिया, फिर माया ने भरमाई दिया। कोई ने लंबे समय तक जीवन दिया, और लंबे समय तक बाप की शक्ति बनकर रहे, फिर भी हैं तो शक्तियां ना। ये शिव शक्तियां गाई हुई हैं, इसलिए बोला है तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो। द्रौपदी का काम है पांडवों को शक्ति रूपी भोजन देते रहना। ये बाप की याद का भोजन है। जितने ज्ञान के वाइब्रेशन में रहेंगे उतना ही भोजन प्राप्त होता रहेगा। याद है हमारा भोजन और ज्ञान है हमारा पेयजल। वो ज्ञान रूपी पेयजल मिलता तो एक बाप से है, परंतु शक्तियां बीच में विशेष निमित्त बनती है। इसलिए अगर शक्तियां या ये सागर की मछलियां, इनका अगर विनाश हो जाएगा तो आत्मा को बुद्ध रूपी भोजन मिलना बंद हो जाएगा। होना तो सब कुछ है, बाद में बड़े बड़े एटमिक विस्फोट होंगे सागर में, तो सागर का जल उबलेगा या नहीं उबलेगा? तब मछलियां मरेंगी या जिंदा रहेंगी? तो भोजन मिलना
बंद हो जाएगा, लेकिन वो जब होगा तब होगा। अभी तो पढ़ाई पढ़ने का टाइम है, क्यों ना पूरी पढ़ाई पढ़ने का लाभ ले लें। और हाँ जी, बाबा ने बोला है नदी के ऊपर डैम बांधना गलत बात है। बाबा ने डायरेक्ट मुरली में तो नहीं बोला है, लेकिन बाबा के बोलने का मतलब यही है कि ये नंगल डैम फटेगा तो सारी दिल्ली बोड़म बोड़ हो जाएगी। ऐसे ही ऋषिकेश के पास टहरी बांध बांधा जा रहा है। गंगा जैसी बड़ी बड़ी नदियों का पानी ढेर इकट्ठा हो जाएगा। नर चाहत कछु और है, होवत है कछु और। ये लौकिक दुनिया में बांध बांधे जाते हैं इस स्थूल पानी को बांधने के लिए और उससे फायदा लेने के लिए। ये प्राकृतिक कार्य है, ये अननेचुरल है। प्रकृति के कामों में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। बाबा के पास भी ज्ञान जल की नदियां हैं। कोई बड़ी बड़ी पानी की नदियां हैं, कोई छोटी नदियां हैं, कोई बड़े बड़े ज्ञान मान सरोवर जैसे तालाब हैं, झीले हैं, छोटे बड़े सरोवर हैं, पोखरे हैं। और कोई फिर डैम के द्वारा बनाई हुई आर्टिफिशियल नहरें भी हैं, कैनाल। परंतु डैम फटेंगे तो नहरों में भी बाढ़ आएगी या नहीं आएगी, वो भी नुकसानकारक हो जाएंगे। कोई मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है, ब्राह्मणों की दुनिया में, वो अपनी बुद्धि के अनुसार ज्ञान नदियों को संचालन करना चाहते हैं। बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया। पांडवों को शक्तियों का गार्ड बन करके रहना है, गाइड बन करके नहीं रहना है। गाइड एक शिव बाबा है। अगर पांडव गाइड बनेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ जाएगी। परंतु जगदीश भाई जैसे लोग ऐसे भी हैं कि नदियों में बड़े बड़े डैम बनाए देते हैं, नदियों के पानी को रोक देते हैं। जो नेचुरल ज्ञान की जलधारा बहनी चाहिए उसे नहीं बहने देते। नेचुरल ज्ञान जल के बहाव को रोक देते हैं और आर्टिफिशियल डैम बनाए देते हैं।
वो डैम में खुदा न खास्ता ज्यादा बरसात हो जाए तो पानी ज्यादा भर जाएगा, डैम फट सकता है या नहीं फट सकता है? फट सकता है। और बरसात तो आगे चल के धुआंधार बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो ये डैम फटेंगे, अभी भी दरार पड़ती रहती है, बेसिक नॉलेज में बड़े बड़े डैम बनाए दिए गए, नदियों का जल रोक दिया गया, दरार पड़ती है तो फिर देर के देर स्टूडेंट से टूट करके एडवांस में आ जाते हैं। पुरानी दुनिया टूटती है या बनती है? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया टूटती है और नई दुनिया बनती है। एक टाइम ऐसा आएगा जो मुरली में बोला है, सभी सेंटरों पर लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो जो पुराने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है वो टूट जावेंगे या रह जावेंगे? टूट जावेंगे। फिर बाहर की दुनिया में भी परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? जो मुरली में बोला है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजाघर, ये गुरुद्वारे, सभी टूटने लग पड़ेंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। प्रजापिता को जो बकरे का मुख दिखाते हैं तो वह शूटिंग पीरियड में कैसे शूट होता है मैं देखना चाहता हूं। हर आत्मा पहले सतो प्रधान होती है और अंत में तमो प्रधान होती है। तो प्रजापिता जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है वो पहले पहले बकरे का मुख वाला होगा या बाद में बकरे का मुख वाला होना चाहिए? है पहले पहले नहीं हो सकता, क्योंकि सतो प्रधान स्टेज है। शिव बाप उसमें प्रवेश करता है तो क्या सदैव ही प्रवेश करता रहेगा या प्रवेश करना बंद भी होगा? है प्रवेश होना बंद भी होगा और फिर नए सिरे शूटिंग शुरू होगी। पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और अंत में तमो प्रधान। जब रजो प्रधान शूटिंग शुरू होती है तो उस समय 21 जन्मों की शूटिंग पूरी हो जाती है और 21 जन्मों की शूटिंग करने वाला है कौन? निमित्त तो प्रजापिता बनता है लेकिन कराने वाला कौन है? शिव बाप।
तो शिव बाप जब तक 21 जन्म की शूटिंग कराता है सतो प्रधान सतो सामान्य, तब तक मनुष्य का मुख है, मान्यता प्राप्त है। प्रजापिता की बड़ी मान्यता रहती है। बाद में जब 63 जन्मों की शूटिंग शुरू होती है तो कौन सी आत्मा है? जो पहले पहले सृष्टि में गुरु बन करके बैठ जाती है, ब्रह्मा तो राजा विक्रमादित्य बनता है, परंतु उसका भी कोई गुरु होता है या नहीं? प्रजापिता, तो पहला पहला बीज बोने वाला कौन है? ऐसे वो हमका जिसका नाम पड़ गया व्यास। जो भगवान का आधार लेकर चलने वाली आत्मा है वो ही देव आत्माएं बनती हैं। भगवान का आधार बंद हुआ और मैं पना आ गया, शिवो हम बन गया, तो वो मैं पन का करता हम, मैं करने वाला हूं, वो ही कुरुवंश पैदा करता है। मैं की आवाज लगाने वाले का नाम क्या पड़ता है? बकरा पड़ता है। पहले मैंपन कम होगा या ज्यादा होगा? हैं? पहले बकरा भी सतो प्रधान स्टेज वाला रहा होगा और कलयुग के अंत में आकर अति तमो प्रधान बन जाता है। अति होती है तो अंत हो जाता है, प्रत्यक्षता हो जाती है। और ये कोई ज्योतिषियों का ज्ञान नहीं है, कि हर बात की तिथि तारीख निश्चित कर दी जाए। जो अपन को शिव कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्रह्मा अस्मि कहते हैं, मैं ही शंकर हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही नारायण हूं, वो बड़े ते बड़े क्या है? हिरण्याकश्यप हैं। वो ही बड़े ते बड़े देहदारी गुरु हैं। परंतु ये कब होता है? जब राम ही रावण बनता है, और राम के रावण बनने की तिथि तारीख वही होगी जब सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाए। तो अभी भी ऊपर से नई नई आत्माएं उतर रही हैं कि नहीं उतर रही है? हैं? उतर रही हैं। और 18 तक भी उतरेंगी या नहीं उतरेंगी? उतरेंगी। तो जो उतरेंगी वो स्वतो प्रधान स्टेज में होंगी या तमो प्रधान स्टेज में होंगी? वो भी तमो प्रधान बन जाएं, अपना तामसी रूप दिखाएं भरपूर, तब उनको भी डाउन करने वाला बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। तब कहेंगे राम ही रावण बनता है। जब सब अपना करिश्मा दिखा चुके हैं,
तब छुपा रुस्तम बाद में खुले। जो कोई भी नहीं कर सका वो बाप करके दिखाता है। इसलिए कहते हैं कि निर्विकारियों का भी वो बाप है और बड़े से बड़े जो विकारी हैं उनका भी वो बाप है। शरीर अलग दिखाई पड़े, आत्मा अलग दिखाई पड़े, ये बात बाबा ने अंत के लिए बोली है क्या? अगर अभी के लिए है तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? अरे जब अपनी मन बुद्धि आत्मा बिंदु समझ लिया तो बिंदु के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं? बिंदु ऊपर है, इस पांच तत्वों की दुनिया को भी क्रॉस करके बैठी हुई है। और जब बिंदु रूप आत्मा ऊपर धरी है तो मन बुद्धि कहां धरी हुई होगी? है आत्मा में ही धरी होगी। और कोई की प्रैक्टिस एक सेकंड की, कोई की प्रैक्टिस ज्यादा की भी हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। तो जितनी देर की जितनी जिसकी प्रैक्टिस है, मान लो किसी की प्रैक्टिस दो मिनट तक बीज रूप स्टेज में टिकने की है या एक मिनट भी बीज रूप स्टेज में टिकने की प्रैक्टिस है, तो शरीर अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई। बाकी सदा काल के लिए अभी नहीं हो सकता। सदा काल के लिए तब होगा जब हमारे 63 जन्मों के सारे पापों का हिसाब किताब चुकतु हो जाएगा। बाबा ने एक वार्ता में बोला है जो दास दासी हैं वो आनंद कानन काशी में अंत में पहुंचेंगे, उनकी निशानी क्या होगी? है उनकी निशानी होगी वो अभी काशी को श्रेष्ठ नजरों से देख रहे होंगे या भर्तना की दृष्टि से देख रहे होंगे? ऊंची नजर से देखते हैं या नीची नजर से देखते हैं? ईर्ष्या देश से देखते हैं, ईर्ष्या देश से देख रहे होंगे। बजाय महिमा करने के क्या करेंगे? और ही ग्लानिंग करेंगे। वो अंत में पहुंचते हैं अर्थात आनंद कानन काशी के निर्माण से लेकर अंत तक वहां नहीं रहते। तो क्या बाबा जो अभी वहां नहीं है फील्ड में है क्या वो दास दासी ही है? फील्ड में रहने वालों में भी बहुत ऐसे होंगे जिनकी बुद्धि बाप और बाप की निर्माण की हुई नगरी आनंद कानन की महिमा में लगी रहती है।
उनकी बुद्धि काशी में ही धरी रहेगी या बाहर की दुनिया में धरी रहेगी? काशी में धरी रहेगी। तो बाहर होते हुए भी वो काशी के वासी हुए या काशी से निष्कासित वाले कहे जाएंगे? काशीवासी हुए। जैसे बाबा कहते हैं, तुम जितना बुद्धि से मधुबन में रहते हो उतना तुम मधुबन वासी हो। ऐसे ही है, जो लास्ट में पहुंचेंगे अर्थात जो आदि से अंत तक काशी में नहीं रहेंगे वो दास दासी हैं क्या? है सारी बुद्धि की बात या सिर्फ देह की बात है? हैं? हमारा है ही सारा बुद्धि योग का पुरुषार्थ। अपने भाग्य को बनाना और बिगाड़ना ये किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। और हाँ जी, बाहर की दुनिया में खास भारत में हाथियों को बचाने का कोई अभियान चल रहा है? है? हाथी की जनरेशन को बचाने का अभियान चल रहा है ना? चल रहा है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो हाथी हैं, उन हाथियों को बचाने का अभियान चल रहा होगा या नहीं? है? उनका भी बचाने का अभियान चलता है। कोई हाथी जैसे पुरुषार्थी हैं, कोई घोड़े जैसे पुरुषार्थी हैं, कोई पैदल सवार पुरुषार्थी हैं, कोई ऊंट के सवार पुरुषार्थी हैं, कोई महारथी हैं जो रथों पर सवार होकर युद्ध करते हैं। तो जो हाथी रहते महारथी हैं, उनको बचाने का पुरुषार्थ चल रहा है। हाथियों की क्या विशेषता होती है? और जानवरों के मुकाबले है? उनकी हड्डियां काम में आती हैं या नहीं आती हैं? उनकी हड्डियां बड़ी कॉस्टली होती हैं। जरूर हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करते होंगे। किस बात के विशेष महारथी होते हैं? कान बड़े लंबे चौड़े दिखाए जाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कि ज्ञान सुनने और सुनाने के बड़े बड़े चात्रक हैं। माथा भी चौड़ा होता है या छोटा होता है? विशाल माथा होता है, माने बुद्धि विशाल होती है, छोटी बुद्धि वाले नहीं होते हैं।
और देह अहंकार भी, देह बड़ी होती है या छोटी होती है? देह भी बड़ी होती है, माने उनमें देह अहंकार भी बहुत होता है। और लंगूरों के मुकाबले, बंदरों के मुकाबले पूंछ छोटी होती है या बड़ी होती है? हाँ, पूंछ है, शरीर के मुकाबले बहुत छोटी होती है। एक विशेषता और है, संगठन की विशेषता। हाथी सदैव झुंड में रहते हैं और शेर, शेर अकेला घूमता रहता है। तो प्योरिटी की पावर भी जास्ती होती है। झुंड या संगठन की शक्ति जिसमें जास्ती होगी उसमें प्योरिटी की ताकत भी जास्ती होगी, क्योंकि प्योरिटी से ही यूनिटी बनती है। पहाड़ों की ऊंची स्टेज में भी जाते हैं और मैदान की नीची स्टेज में भी घूमते हैं। और जो बड़े बड़े संगठन रूपी किले होते हैं उन किलों के जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, किलों में घुसने का रास्ता बनाते हैं, उन दरवाजों को तोड़ने का काम भी हाथियों से ही लिया जाता है। घोड़े सवार वो टक्कर नहीं ले सकते, ऊंट भी नहीं ले सकते, पैदल सवार तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। किलों के फाटकों को तोड़ने का काम सेना के द्वारा नहीं हो सकता, किसके द्वारा होता है? हाथियों के द्वारा होता है। बड़े मदमाते होते हैं, क्या कहा? मदमाते, मदमाते माने उनको शराब पिलाई जाए तो बहुत नशे में आ जाते हैं। ऐसे नशे में आ जाते हैं कि जान की भी परवाह नहीं करते। किलों के फाटकों में टक्कर मार करके अपनी जान भले चली जाए, माथा फट जाए, लेकिन किले का दरवाजा तोड़ देते। तो वैल्यूबल पुरुषार्थी हैं या कमजोर पुरुषार्थी हैं? वैल्यूबल पुरुषार्थी हैं। उस सरकार की भी आंखें खुली, किनको बचाना चाहिए। हालांकि आज की दुनिया में युद्ध भूमि में हाथियों का, घोड़ों का, ऊंटों का कोई स्थान नहीं रह गया। क्योंकि बड़े बड़े एटम बम बन चुके हैं, घर बैठे मिसाइल्स छोड़ करके दूर बैठे शत्रुओं का खलासा कर देते हैं। परंतु यहां तो वो महारथी पुरुषार्थी और हाथी सवार पुरुषार्थी ऐसे हैं
कि बड़े बड़े ज्ञान के बम फोड़ेंगे और परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, क्योंकि बोला हुआ है बड़े से बड़ा बम है परमात्मा प्रत्यक्षता बम। तो हाथी सवार पुरुषार्थियों को बचाना है। बाबा ने VCD में बोला है ब्राह्मणों को कंट्रोल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों की राजाई नहीं होती है, ब्राह्मण तो सेवादारी होते हैं। तो अपन को प्रशासक प्रशासिका समझकर दूसरों के ऊपर शासन नहीं चलाना चाहिए, परंतु जो चलाते हैं शासन उनकी शूटिंग क्या होगी? अरे जैसे सहन करने वालों के लिए बोला है, जो यहां सहन करते हैं वो 63 जन्म राजा रानी बन करके दास दासियों को सहन कराने के निमित्त बनेंगे। जो यहां सहन करते हैं और जो सहन कराते हैं, खुद नहीं सहन करते, क्या करते हैं? ऐसा करते हैं जिससे दूसरों को सहन करना पड़े, तो क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे। ऐसे यहां भी है, जो यहां ब्राह्मण बनकर के भी दूसरों पर शासन चलाते हैं, प्यार से व्यवहार नहीं करते, अर्थात मान लो कोई इंचार्ज है, मधुबन टीचर है, सेंटर टीचर है, तो यहां राजा रानी बनकर के बैठाया गया है या माता बनकर के बैठाया गया है? हैं? माता बना करके बैठाया गया है। यज्ञ में प्रशासिका प्रशासक नहीं होते हैं, यज्ञ के सेवाधारी होते हैं। तो उनको शरण में आने वाले जो बाप के बच्चे हैं, जिन्होंने दुनिया को त्याग करके बाप की शरण ली है, उन शरणागतियों की पालना करनी है अच्छे से, मां बन करके पालना करनी है। जैसे परिवार में मां बनती है तो बनाई इसलिए जाती है कि जो प्रजा पैदा होती है, बच्चे परिवार में पैदा होते हैं, उनकी मां मातृवत् पालना करे। अगर उल्टा करते हैं, माता बन करके पालना नहीं करते हैं, तो फिर कौन सी माता कही जाती है? हैं? वो सौतेली माता कही जाती है, वो असली माता नहीं होती है, जरूर विधर्मियों में कन्वर्ट हो जाएगी। ओम शांति।